और क्या चाहिए लाइफ में बोलो। हेलो फ्लेयर्स, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी शो। एंड ये एक्चुअली एक न्यू टाइप का वीडियोस है जहाँ पे मैं क्यूएनए टाइप का कुछ बातें करूँगा। मैं मतलब क्वेश्चन पूछेगा मतलब इंस्टाग्राम पे लोग या फिर कमेंट सेक्शन में आप भी पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन हो, लाइफ से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एंड कुछ भी, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछो नहीं ये पता मुझे तो रिसर्च करूँगा। एंड फिर भी अगर देने का मूड नहीं है मतलब उसके बाद भी तो वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं बोल दूंगा मैं रिप्लाई करके कमेंट सेक्शन में ही। तो कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो मुझे, स्पेशली मतलब जिसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ ना, मतलब जो मेरे एक्सपर्टेज है उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छा होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा है रहमान बिनोजीद ने, एंड उसने पूछा है कि हाउ डू मैनेज ट्रेवल एक्सपेंसेस, मतलब कैसे मतलब कम पैसों में ट्रेवल कर सकते हैं एंड कैसे मतलब ट्रेवल एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसी टाइप का कुछ है, मतलब कम पैसों में कैसे घूम सकते हैं। तो मैं ना मतलब ट्रैवल करना मुझे बहुत ही पसंद है, मैं बचपन से मतलब ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं जब से मतलब ट्रैवल करना पता चला है मुझे। एंड ये जो भी मैं कर रहा हूँ, मैंने दिल की बात जी जुबान में बोला मैंने कि जो भी मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ मैं ट्रैवल करने के लिए। मतलब मेरा लाइफ का मेन गोल यही है कि मैं पूरी वर्ल्ड को मतलब होल वर्ल्ड को मैं घूमूँ, ट्रैवल करूँ। एंड होल वर्ल्ड में मुझे घूमना है, पूरी दुनिया मुझे घूमना है, बस यही मेरा मेन गोल है। मैं बहुत ही बजट ट्रैवलर हूँ, कंजस्ट ट्रैवलर बोल सकते हो मुझे। एंड अभी रिसेंटली कलिम्पोंग गए थे हम, मैं और मेरे फ्रेंड बाहर। और एंड अगर कलिम्पोंग का ब्लॉग आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा ना तो जाके देख सकते हो। तो हम एक्चुअली कम बजट में घूमते हैं ना, तो हमें ना बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है जब हम ट्रेवल करते हैं। हम वॉक करते हैं जहाँ पे मतलब एक टैक्सी ले सकते हो वहाँ पे हम वॉक कर लेते हैं, एक दो किलोमीटर आगे हमें जाना है। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो कलिम्पोंग ट्रेवल में क्या होता है, हमें ना फास्ट डे है, फर्स्ट डे जब हम कलिम्पोंग गए थे वहाँ पे जाने के बाद ही हमने 7 किलोमीटर से ज़्यादा हमने वॉक किया, मतलब जहाँ पे होम स्टे वहाँ पे रहने के लिए। तो ये तो मैंने थोड़ा ट्रेवल एक्सपीरियंस बता दिया मैंने, बट अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि कैसे कम पैसों में आप घूम सकते हो। तो ट्रेवल करने के लिए ना मतलब मेन जो ट्रेवल का जो मेन पार्ट होता है वो है मूव करना, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो। तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा एंड रहने के लिए आपको जगह चाहिए होगा, तो जब होटल होम स्टे या फिर कुछ भी मतलब है तो वो सब भी बोलूँगा मैं, कहाँ आपको रहना है, क्या क्या कैसे आपको घूमना है कम पैसों में अगर घूमना चाहते हो तो। एंड एक और चाहिए जो है वो है फूड, मतलब खाना तो चाहिए होगा आपको तो खाना, ट्रांसपोर्टेशन एंड रहने के लिए आपको जगह चाहिए, ये तीन होता है ना मेन पार्ट होता है ट्रेवल करने का। उसके बाद भी होता है मतलब अगर कहीं पर जाओगे तो वहाँ पर टिकट वगैरह होता है वो अलग होता है, वो सब आप एफर्ट भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो, या फिर अगर आप कुछ मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस लेना चाहते हो जैसे कि एक्टिविटीज़ में अगर हिस्सा लेना चाहते हो जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो, बांजी जंपिंग हो, ऐसा ऐसा कुछ अलग अलग कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए होगा। तो वो सब हम नहीं करते हैं, हमें बस ट्रेवल करना है, हमें दुनिया देखना है, हमें एक्सपीरियंस कर लेंगे यार जब पैसा होगा। तो वो सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के बारे में तो बात करेंगे नहीं इस वीडियो में। एंड तो मेन जो चीज़ है वो उसके बारे में बात करेंगे जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड रहने के लिए जगह एंड फूड के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ भी आप ट्रेवल करने के लिए जाओगे ना तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत ऐसे रिसर्च कर लेना चाहिए कि कितना पैसा आपको चाहिए होगा, थोड़ा एक्चुअली एक ऐसे ही कुछ आपको बजट बना लेना चाहिए। एंड फिर उसके बाद अगर पैसा नहीं है तो वो बजट फिर लाओ, आप कहाँ से लाओगे, फिर वो बजट आपको कलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मैं मतलब मेरे ब्लॉगिंग का जो भी इनकम होता है ना उससे मैं ट्रेवल करता हूँ मैं, एंड ब्लॉगिंग का इनकम मैंने और भी बहुत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया मैंने, जैसे कि जिले में इन्वेस्ट करता हूँ मैं एंड ब्लॉग में खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो भी मतलब पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड ये सब करने के बाद जो फिर जो पैसा बचता है ना इससे हम मतलब दोनों ट्रेवल करते हैं, मैं और फिर मेरे फ्रेंड जो बाहर वाले वो। तो ब्लॉगिंग का जो इनकम होता है ना उससे मैं ट्रेवल करता हूँ अभी, यूट्यूब से तो इनकम होता नहीं है, यूट्यूब वीडियोज़ आप देखते हो नहीं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कुछ नहीं करते, बस आप लोग देख के चले जाते हो या फिर देखते भी नहीं हो, शेयर भी नहीं करते हो वीडियोज़, तो यूट्यूब से इनकम थोड़ी ना होगा अभी। यूट्यूब से अगर इनकम होता ना तो यार बहुत ट्रेवल कर पाते यार एंड अच्छा खासा ब्लॉग्स बना पाते, बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर पाते। बट अफसोस की बात कि यूट्यूब वीडियोस आप लोग नहीं देखते हो, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, एक्चुअली आप लोगों की भी गलती नहीं यार, मैं जो बनाता हूँ ना आप लोगों को पसंद नहीं आता एंड मुझे ना मेरे वीडियोस देखने के लिए जो ऑडियंस चाहिए ना वो अगर मतलब वो मुझे अभी तक नहीं मिला तो यही मतलब अनलकी हूँ मैं, मतलब थोड़ा आई थिंक मिल जाएगा जल्दी से जल्दी मेरा जो ऑडियंस मेरा टारगेट ऑडियंस मिल जाएगा मुझे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो शेयर करो एंड ऐसे ही ऑडियंस वगैरह मिल जाएगा मुझे। तो अभी मेन पॉइंट बात है कि ट्रेवल कैसे कर लेते हैं कम पैसों से। तो हाँ, तो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होगा अभी एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप का लोकेशन कहाँ पे आप जाओगे। फिर आपको ना कार सर्विंग में जाना है, कार सर्विंग एक सर्विस है, एक ऐप है एंड एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ना फ्री में रहने के लिए जगह ढूंढ सकते हो। एंड ये फ्री सर्विस है जहाँ पे आपको बस चार्ज करना है और वहाँ पे आपको होस्ट ढूंढना है, फिर होस्ट को आपको मैसेज करना होगा, मैसेज करने के बाद अगर वो रहने के लिए आपको देते हैं ना तो फ्री में जाके उसके पास आप रह सकते हो।
एंड मैं सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप ऐसे बात करोगे ना तो उनको सीधा बोल देना कि मुझे फूड नहीं चाहिए, मुझे बस रहने के लिए जगह चाहिए, एंड आसपास होटल वगैरह होगा तो मैं वैसे खा लूँगा। मैं ऐसा करता हूँ एक्चुअली। एंड तो उसके बाद आप वहाँ पे रह सकते हो। ये कार सर्विंग बहुत ही अच्छा सर्विस है एंड दुनिया भर के ट्रेवलर ये मतलब ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आता है ना वो मैं ट्राई करूँगा यार, मतलब शायद इसी साल मैं ट्राई करूँगा, मैं इसी साल नहीं मतलब बाद में भी ट्राई करूँगा शायद। तो वो है WWOF करके एक है, ओफिंग कहते हैं शायद उसको, अगर मतलब ट्रेवलर शायद ओफिंग कहते हैं उसको। तो WWOOF ऐसा होता है, उसका फुल मीनिंग मुझे याद नहीं अभी, सॉरी। आप विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं या फिर उसकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी। एंड तो वो है WWOOF, ओफिंग कहते हैं उसको। एंड WWOOF के जरिए ना आप फ्री में ना रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कहीं पे रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, लेकिन रहने के लिए जो जगह देगा ना आपके होस्ट, उसके बदले में आपको उस होस्ट के लिए काम करना होगा। एंड फ्री में आपको रहने के लिए जगह देगा वो, एंड उसके बदले में काम करना होगा, उसके फार्म में काम करना होगा, ऑर्गेनिक फार्म अगर है तो उस पर काम करना होगा। मेनली मतलब फार्म में काम करना पड़ता है आपको, हार्डवर्क करना पड़ता है, मतलब डेली आपको 2 घंटे से लेकर 6 आवर तक काम करना होगा आई थिंक। एंड ये थोड़ा बहुत मैंने देखा अभी, तो ये मैं ट्राई करूंगा कभी ना कभी। मतलब प्रीमियम रह सकते हो, महीने भर रह सकते हो आप, अगर 6 महीने भी रहना चाहते हो तो भी रह सकते हो आप। तो ये मतलब अच्छा खासा एक आई थिंक ऑप्शन है ट्रेवल करने का, फ्री में रहने का। क्योंकि देखो रहने का मतलब रहने में ही मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पैसा जाता है। हमने ना मतलब कार सर्विंग ढूंढा था कलिम्पोंग जाने से पहले, बट हमें नहीं मिला कार सर्विंग का होस्ट, मतलब बहुत दूर था वो। देखो कार सर्विंग एंड WWOOF ये भी अगर नहीं मिलता ना आपको, तो फिर आप वो डिसाइड कर सकते हो होम स्टे पे रह सकते हो। लग्जरी होटल में ना रह के आप सिंपल होम स्टे पे रह सकते हो, एंड ऐसा अगर रहोगे तो ये अच्छा होगा एंड मुझे लगता है। मतलब ये थोड़ा चीप होता है, बट ज़्यादा चीप भी होम स्टे नहीं मिलता आजकल। मतलब हिल स्टेशन में जो भी हम गए थे कलिम्पोंग में, वहाँ पे हमें 1000 पर नाइट था वो, जहाँ पे वो 2 लोगों के लिए 1000 पर नाइट। तो रहने के लिए जगह तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको कार सर्विंग से या फिर WWOOF से या फिर चीप होम स्टे, या फिर आप कहीं पे अगर जाओगे ना तो रहने के लिए अगर जगह नहीं मिलता है तो किसी से पूछ के भी आप रह सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कार सर्विंग ट्राई करो, एंड बस कार सर्विंग ट्राई करो, फार्मिंग मतलब वो WWOOF जो होता है ना वो ट्राई मत करो आप अभी। एंड उसके लिए अलग से पे भी करना पड़ता है थोड़ा, मतलब हर साल WWOOF जो होता है वो फिंग कहते हैं उसको शायद, तो उसके लिए। बट काउंसलिंग के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, पे कर सकते हो वेरीफाई करने कराने के लिए, बट पे ना करोगे तो भी चलेगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें ना, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, आपको कार टैक्सी वगैरह सब यूज़ नहीं करना चाहिए, बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, बस में घूमो, ट्रेन में घूमो, बस ऐसे ही थोड़ा मतलब हार्डवर्क करके घूमो, वॉक करो आप, बाइसाइकिल लेके घूमो, बाइक लेके घूमो, ऐसा घूमोगे तो आपको आपका जो ट्रेवल जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम होगा। तो या ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी हो गया, अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, हम यूज़ करते हैं एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड रहने के लिए आपको कार सर्विंग यूज़ करो। एंड जो फूड है ना वहाँ पे आपको मतलब आपका जहाँ पे आप होटल में रहते हो ना वहाँ पे खा सकते हो आप सीधा, अगर वहाँ पे आपको वो प्राइस थोड़ा कम लगे। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अलग अलग जगह पे खाओ, टेस्ट करो, अलग अलग जगह पे देखो, थोड़ा घूमो, थोड़ा वॉक करके जाओ कहीं एंड वहाँ पे जाके खाओ तो बस। क्योंकि देखो जहाँ पे जाओगे ना खाने के साथ ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक नया जगह पे जाओगे वहाँ पे अगर नहीं खाओगे आप तो हेल्थ बिगड़ जाएगा एक्चुअली। तो फूड के साथ ना कंप्रोमाइज़ मत करो, फूड थोड़ा मतलब हेल्दी खा ही लो एंड फूड में थोड़ा इन्वेस्ट कर ही लो, ये अच्छा होगा अगर ट्रेवल करने के लिए जाओगे तो। बाकी वो कसर में अगर जाते हो ना तो कसर में एक्चुअली वो होस्ट कभी कभी फूड दे दे देगा आपको, होस्ट के साथ कुकिंग में हेल्प कर सकते हो आप, होस्ट को सिखा सकते हो आप। एंड फार्मिंग अगर WWOOF ट्राई कर रहे हो आप तो वहाँ पे तो आपको फूड मिलेगा, ये फूड मिलेगा एंड रहने के लिए जगह मिलेगा आपको। तो बाकी अगर जहाँ पे होम स्टे पे अगर रहोगे कहीं पे तो होम स्टे से आपको खाना मिल ही जाएगा आपको, अगर नहीं चाहिए तो वो भी बोल सकते हो आप, मतलब चीप ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो आप एंड खाने के लिए जगह पे, मतलब आस पास जो होटल होगा वहाँ पे चीप मिलेगा आई थिंक। क्योंकि हम जहाँ पे कलिम्पोंग में गए थे ना वहाँ पे मतलब फूड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा था एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा, मैं मतलब बता नहीं सकता मैं, मतलब हमारा बजट था बहुत कम एक्चुअली। तो बजट से 1000 से बजट से मतलब 1500 ज़्यादा मतलब पैसा गया हमारा, बजट से भी 1500 ज़्यादा पैसा गया तो दोनों का। तो ये फूड के लिए गया, मैंने सोचा नहीं था कि फूड में इतना पैसा जाएगा, गया यार अभी क्या कर सकते, फूड के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमें। तो ऐसे ही मतलब आप दुनिया घूम सकते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्री में घूम सकते हो आप, कंप्लीट वर्ल्ड फ्री में घूम सकते हो, बट नहीं हो सकता, फ्री में नहीं हो सकता ट्रेवल करना। उसके लिए आपको हाँ कम पैसे से घूम सकते हो ऐसे ऐसे करके,
बट फ्री में नहीं हो सकता। आप डिजिटल नोमैड बन सकते हो, आप काम करके करके घूम सकते हो, आप रिमोट वर्क कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है मतलब रिमोट काम करने का, अलग अलग जगह से आप काम कर सकते हो, मतलब एक लैपटॉप लेके घूम सकते हो, फोन से काम कर सकते हो, या फिर एक जगह पर अगर चाहोगे वहाँ पे आप किसी को इंग्लिश सिखा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। वो अगर वर्ल्ड ट्रेवल करना चाहते हो तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट ये मैंने बताया कि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सब को लेके मैंने थोड़ा बहुत बोला मैंने ऐसे ही। अभी तक WWW ऐप जो कहते हैं वो मैंने ट्राई नहीं किया, वो मुझे ट्राई करना है, जल्दी मैं ट्राई करूँगा। वो एक महीने के लिए कहीं पर जाऊँगा एंड फिर काम करूँगा वहाँ पर एंड बस घूमेंगे, हिल स्टेशन टाइप के जगह पर जाएंगे एंड वहाँ पर थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो यही था आज की वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद है तो लाइक करो इस वीडियो को, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो इस वीडियो को। एंड अगर आप स्पॉटीफाई में या फिर कहीं भी एप्पल पॉडकास्ट में, आईट्यून्स पे या गूगल पॉडकास्ट में, कहीं भी अगर पॉडकास्ट में सुन रहे हो ना ये, तो सब्सक्राइब करो पॉडकास्ट को, एंड यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करो, एंड बस हर जगह मतलब, एंड कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन सी पर बनाओ, एंड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं हमेशा इंस्टा पे अवेलेबल होता हूँ। तो यार आज के लिए इतना ही था, लाइफ इज अ जर्नी, फिर मिलते हैं, बाय बाय।